गुरुजी को प्रणाम गुरुजी के सारी संगत को प्रणाम और शुक्राना गुरुजी का कि हर पल वो कैसे मौका देते हैं और हमारे ही कष्ट कटते हैं जब हम सत्संग करते हैं अभी ऐसे ही परसों मैं किसी सत्संग में गई थी अब तो थोड़े से होने लगे हमारे इंडिया में दो दो चार चार लोगों के तो उन्होंने कहा सत्संग करो तो मैं करने लगी ऐसे ही बैठ पे बैठ के और वो लाइव कर दिया उन्होंने एक लड़की बैठी हुई थी यंग सी, वो है उसने लाइव कर दिया और वो कहा से कहा सत्संग वायरल हो गया तो ये गुरु जी कैसे करवाते हैं ये उनको मालूम है अभी भी मैं सुन रही थी तो अलका जी ने बोला सत्संग करोगे तो मैंने कहा गुरु जी का तो सत्संग हमेशा ही है अभी सुन भी रही थी मैं सत्संग तो गुरु जी कैसे जोड़ते हैं ये उनका तरीका है कैसे बुलाते हैं मैंने सुनाया भी हो तो मुझे याद नहीं है क्योंकि सत्संग इतने हैं तो मैं जैसे अभी पहले भी मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से अभी रिटायर हुई हूँ जस्ट वन ईयर बिफोर तो मेरी एक कलीग बहुत डिसेंट है मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतने पीरियड में ऐसी ह्यूमन बिग नहीं देखी तो मुझे लगता था कि इसको मैं गुरुजी से जोड़ू कैसे जोड़ू बट वो हर देवी देवताओं को मानती थी तो मेरे को थोड़ी हिच होती थी मैं गुरुजी को कहती थी बहुत अच्छी सोल है इसे आप जोड़ो तो गुरु ने अपने आप जोड़ा तरीका बनाया जैसे अभी आंटी बता रही थी कि उन अंकल को बुला लिया साइन करवाने के लिए तो ये गुरु जी ने किया इनके हाथ में भी कुछ नहीं था करने वाले तो वही है उनके भी डॉटर ऐसे नोएडा जा रही थी अपनी गाड़ी से ट्वेंटी अपने वहां एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो काम भी सीख रही थी और काम वहां करती भी थी कभी सिंगल चाइल्ड है उसकी कभी उसने कॉल बैक नहीं किया पीछे नहीं लगी मतलब बहुत इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ उसे उस दिन उसने कॉल कर दिया पता चला कि फोन जो है रीचेबल नहीं है कभी स्विच ऑफ आ रहा है नोएडा फोन किया वहां भी नहीं पहुंची अब तो क्राइंग लाइक ए चाइल्ड पूरे स्कूल में शोर मच गया कि अनु की बेटी नहीं मिल रही है पता नहीं क्या हुआ डर ये लग रहा था कि नोएडा थोड़ा सा क्रिमिनल एरिया तो है कहीं बच्चे से गाड़ी छीन ली क्या हो गया बुरी तरह मतलब हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ उसी रूट पे चलने लगे अपनी गाड़ी लेके भागे के देखते हैं और रोती जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था स्कूल के बाकी टीचर्स के टच में थी सब कॉल कर रहे थे कहती एकदम से मुझे लगा कि हमारी मंजूपाल मैम है वो एक गुरुजी को मानती हैं तो कहती है, आप मंजूपाल मैम के गुरुजी हो ना आप उनके गुरुजी हो ना आप जो भी हो आप मेरी बेटी को मिलवा दो इतना रोते रोते बोला और संगत जी आप बिलीव करेंगे एक सेकंड भी ज्यादा है उसके फोन पे कॉल आ गई उसी की डॉटर की कहती मैं तो मंगला साहब गुरुद्वारे में सेवा कर रही थी और फोन वहां पे मिल नहीं रहा था तो गुरुजी ने क्या तरीका बनाया उसे जोड़ा और फ्राइडे था मैं मंदिर जा रही थी उसने रोते रोते वो सत्संग मुझे सुनाया और मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ समझ सकती हूँ बच्चे पे बीतती है तो हमारे ऊपर क्या होता है आज वो इतना जुड़ गई है सत्संग भी कराती है गुरु जी के मंदिर भी जाती है आज फ्राइडे उसने मुझसे पासिज लिए आज फिर जाएगी और उसकी डॉटर की मैरिज है अभी ट्वेंटी को हर फंक्शन में उसने गुरु जी का सत्संग कराया है रो का मनी हो चाहे सगन हो कुछ भी हो सब में उसने सत्संग कराया तो कैसे वो अपने वक्त को कैसे जोड़ते हैं ये वही जानते हैं हमें कुछ मालूम नहीं मुझे बताना भी नहीं पड़ा लेकिन वो सबको बोलती है कि मैं इनके थ्रू जुड़ी मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं गुरु जी ने खुद जोड़ा उन्होंने ऐसी चेन बनाई कि तुझे जोड़ लिया क्योंकि तू तो इतनी प्यारी सोल है उनकी सोल होगी जिसको भी जोड़ते हैं उनसे कनेक्शन जरूर होता है ये मैंने बहुत संगत के मुंह से सुना है पर गुरु जी कहते भी थे कि वो अपनी सोल को खींच लिया करते थे उनका अपना तरीका है खींचने का और ऐसे जोड़ते हैं सेम हमारे ऊपर एक आंटी रहती हैं ये भी शायद मैंने सुनाया होगा पहले वो कश्मीर से हैं तो जैसे मुझे और अंकल को गुरुजी ने 2003 या 4 में बोला शिवरात्रि पे के संगत को लेके आओ बस भर के लाओ ट्रक भर के लाओ उसका मतलब ये नहीं होता था कि हम पूरी भर के ले जाएं जिसको गुरुजी ने जोड़ना है वो तो एक जर्नल आज्ञा देते थे और हमें वो करना होता था तो मैं सबको बोलती थी मैंने उन्हें बोला कहते हैं ठीक है चलेंगे कश्मीर के लोग शिव भक्त तो होते ही हैं सबको मालूम है वो हमारे साथ गए और साईं बाबा को मानते थे हमने लेट आना था तो जैसे वो आ रही थी रास्ते में उन्होंने बोला अब शिवरात्रि के फंक्शन पे वैसे भी गुरु जी से बात तो हो नहीं सकती अंपायर स्टेट में भी ऐसे नहीं हो पाती थी गुरु जी की मर्जी होती थी या कोई हिम्मत कर लेता था तो गुरु जी से बात कर लेता था तो कहते गुरु जी आप क्या हो मुझे नहीं मालूम मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ मंजू मेरे को लेके आ रही है अगर आप कुछ हो तो आप मुझे दिखाओ कि आप क्या हो तो वो जिसके साथ जा रही थी उनके पैरलर एक ट्रक चलने लगा जो कि भरा हुआ था सामान से उसके ऊपर साईं बाबा और गुरु जी के दर्शन हो रहे उनको कभी साईं बाबा कभी गुरु जी कभी साईं बाबा कभी गुरु जी कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये सब क्या दिख रहा है मुझे और इन्हीं की वजह से मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए तो बहुत एक्साइटेड और जब वो चली मंदिर से उनके हाथ में किसी ने एक स्वरूप दिया और वो स्वरूप में गुरुजी और साईं बाबा इकट्ठे मैंने तो शायद ऐसा स्वरूप बहुत कम देखा है उनके मंदिर में लगा हुआ गुरु जी और साईं बाबा इकट्ठे बैठे हुए तो इस तरह से जवाब दे के उनको कैसे जोड़ते हैं और वो आ गए उसके बाद वो वन टू मंथ्स के करीब नहीं गए तो एक दिन मुझे कहते हैं कि एक बात बताऊं तेरे गुरु जी में कुछ है तो सही मैंने कहा क्या दिखाया आपको तब उन्होंने बताया तो मैंने कहा आपने पहले नहीं बताया कहते मैं देख रही थी कि सब क्या चल रहा है ये क्या है फिर हम उन्हें स्टेट ले गए तो गुरु जी कहते हैं आंधी कर, चंगा होएगा और आज देखो उनकी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको गुरु जी खुद मेडिटेशन में क्लियर कर जाते हैं कि ये होना है और ऐसे इसको तुमने करना है मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ना हो दे आर क्लोज टू 80 लेकिन कैन गुरुजी ने इतना उनको बचा के रखा है बच्चे उनके यूएस में ही हैं डॉक्टर हैं लेकिन गुरुजी कैसे कृपा करते हैं आज शायद हमसे ज्यादा उन्हें फेथ है गुरुजी पे तो उनका जोड़ने का तरीका है वो कैसे जोड़ते हैं हर संगत उनकी है लेकिन वो खींच लेते हैं अपनी सोल को बड़े प्यार से और पूरी ब्लेसिंग देते हैं तो बहुत महान है हमारे गुरु जी कहते हैं हम गुरु जी कहते हैं मैं तो हर उसमें बोलते क्या बोलेंगे वर्ड तो गुरु जी है ना लेकिन वो भगवान है क्योंकि भगवान जी ऐसे हम नहीं बोलते एक रिस्पेक्ट के लिए हम उन्हें गुरु का दर्जा दिया लेकिन वो साक्षात भगवान है इसमें कोई डाउट नहीं है ये उन्होंने मुझे डे वन से क्लियर कर दिया था उन्हीं की वजह से मैं समझ पाई वो हर संगत बोलती है कि हमने तूने भगवान माना ही नहीं लेकिन मैं कहती हूं मैंने डे वन से माना मैंने नहीं माना उन्होंने मनवाया सेम मेरे डॉटलना को भी मनवाया वो गुरु संगत नहीं थी गुरुजी ने मैरिज करवाई वो थोड़ा सा मैं उसके डिटेल बताती हूँ एक संगत है यूएस की है उन्होंने हमें कोई पंजाब की संगत की लड़की बताई संगत की लड़की बताई कि आप इससे रिश्ता करो गुरु जी की ऐसी आज्ञा है मुझे लग रहा है लेकिन मुझे कहीं भी थॉट नहीं आ रहा था गुरु जी का नहीं लग रहा था कि यहाँ मैरिज होगी पर वो कहते आप लड़के वाले हो ना तो इसीलिए एटीट्यूड दिखा रहे हो तो मैंने कहा देखो ऐसे नहीं बोलो अगर आप कहते हो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ मैंने उनसे बात की वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन वो, वो अंकल इतना पीछे पड़े हुए थे तो करने के बाद छोटा सा फंक्शन घर में हमारी फैमिली में ही हमने कर दिया अब मैरिज की बात तो इतनी दूर का डिस्टेंस था तो बच्चों की कोई ऐसे बात भी नहीं होती थी जनवरी के जनवरी में क्योंकि फैब में मैरिज होनी थी हमने उनसे बात की कि आप डेट निकलवाओ कर कब करनी है शादी कहते हैं अच्छा बताता हूँ एक दो कॉल्स किए उसके बाद कहते हैं नहीं लड़की नहीं मान रही शायद गुरु जी को मंजूर नहीं है उन्होंने ही रिफ्यूज कर दिया जो कि वो गुरु जी ने मुझे थॉट ऑलरेडी दे दिया था कि यहाँ नहीं होगी तो ये सत्संग अभी मैंने पहले एमपी अंकल का भी सुना था उषा आंटी के जो अंकल हैं कि हमें बीच में किसी की बात को नहीं सुनना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है हम जहां पे बीच में किसी को ले आते हैं वहीं पे हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं अभी इतनी प्रेशर में आ गई थी मैं लेकिन गुरु जी थॉट यही दे रहे थे कि नहीं यहां नहीं अब उन्होंने ही मना कर दिया मुझे गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं हुई कि मैंने मना किया उधर से ही मना हो गई और मेरे अंकल को थोड़ा बुरा लगा कि जैसे कुछ रिलेटिव्स को बोला हुआ है तो इंसल्ट हो जाती है जैसे इंडिया में एक custom है हमारे हैं मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है अब तो इंडिया भी बहुत आगे निकल गया है पर संगत जी आप बिलीव करें उसी डेट पे फैब में ही शालीमार बाग की लड़की से रिश्ता भी तय हुआ और शादी भी हो गई सेम डेट के ऊपर किस मतलब हमने काफी रिलेटिव को तो बताया भी नहीं था और उनको मालूम भी नहीं था कि वहां हुआ था तो गुरु जी का क्या तरीका है हमें connection बनाने। तो उसका सत्संग सुनाने से पहले मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वो गुरु संगत नहीं थी अब जो वो हमारे घर में आई तो यहाँ तो सब कुछ गुरु जी गुरु जी तो ज्यादा बोलती नहीं थी थोड़ा उसे लगता था तो कि ये ना ये मंदिर जाते हैं बस बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी गुरुजी करते कहते हैं मैंने कहा आप गुरु आपको मालूम है जो बच्चे आप लाए हो इस बच्चे को कैसे जोड़ना है ये आपको मालूम है तो एक दिन अभी जैसे मुझे कहती है कि नवरात्रे आए फैब में मैरिज हुई कि मुझे मंदिर जाना है तो मेरे अंकल ने बोला कि ऐसे मंदिरों में नहीं घूमते घर में गुरुजी की गद्दी है माथा टेको भगवान तो यहीं बैठे हुए ये बोली कुछ नहीं लेकिन इसे बुरा जरूर लगा इतनी देर में टेन मिनट्स भी नहीं बीते हमारी वही ऊपर वाली कश्मीरी आंटी जो मैं बता रही थी अभी उन्होंने नीस का ऑपरेशन कराया था और वो पहली बार स्टेयर्स उतर के नीचे आ रही थी तो कहती है मैं उतरी इसलिए उनके कि मैं गुरु जी को माथा टेक लू तो इसे एक झटका लगा कि वो हमारे यहाँ माथा टेकने आ रही हैं और मैं बाहर जा रही हूं तो पहला लेसन गुरु जी ने दिया और इससे समझ आया अब ये खुद बताती है फिर जैसे इसके इसको भी फोर फाइव इयर्स लग गए थे इसका बेबी नहीं हो रहा था तो मैंने बोला मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी अपने आप गुरु जी देंगे वो इतने बड़े भगवान बैठे हैं उनको जो करना है वो करेंगे डॉक्टर्स के पास जाके अपनी बॉडी खराब नहीं करनी है तो थर्टीन में गुरुजी ने मेरे डॉटर को भी बेटा दिया और इसे भी दिया तब से इतना इसका फेथ हो गया कि अब ये गुरुजी गुरुजी करती है तो जिस लिए के गुरुजी ने जैसे जोड़ना है वो अपना तरीका बनाते हैं फिर इसे डिवाइन दर्शन दिए अपने स्वरूप में रात को ये उठी तो गुरुजी के डिवाइन दर्शन हो रहे थे उसमें से लाइटें निकल रही थी ये डर गई बहुत ज्यादा और फिर से मुझे सुबह बताया पर गुरु जी का शुक्राना ये है कि उन्होंने सब बच्चों को जोड़ दिया मेरे बच्चे तो जुड़े ही हुए थे जो बाहर से बच्चा गुरु जी ने दिया उसे भी जोड़ा तो बहुत अच्छा लगता है जब जो फैमिली जुड़ जाती है एक भी कोई अलग होता है तो मन तो खराब होता ही है लेकिन उस भगवान को मालूम है मैं तो भगवान ही बोलती हूँ कि किसको कैसे जोड़ना है तो शुक्राना है गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अपने साथ जोड़ने का अपनी ब्लेसिंग देने का बच्चों के साथ जो बच्चों को जोड़ने का तो बहुत शुक्राना है जो हम नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे हम नहीं कर सकते तो थैंक यू गुरु जी थैंक यू सो मच